नमस्कार बीसीएन न्यूज के प्रदेश के खबरों में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। तो डालते एक नजर आज के प्रदेश के खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में किसान नेताओं के आगमन पर रेल रोको अभियान के तहत भारी संख्या में किसानों ने जहां गढ़मुक्तेश्वर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। तो वही इस दौरान जब एक किसान नेता की हालत बिगड़ने लगी तो पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन एवं जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने पहुंचकर जहां किसानों को गुलाब का फूल भेंट किया तो वही किसानों ने भी जिलाधिकारी के प्रथम बार उनके बीच पहुंचने पर उनका स्वागत किया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने खुद को किसान का बेटा बताते हुए जब किसान नेताओं से रेलवे ट्रैक छोड़कर धरना समाप्त करने की अपील की तो किसान नेताओं ने किसान पुत्र की बात को मानते हुए ऊपर हाईकमान से धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने भी किसानों की समस्याओं को सुनते हुए उनकी समस्याओं से निदान कराए जाने का सहयोग देने का आश्वासन देते हुए ज्ञापन किसान नेताओं से लेते हुए ऊपर हाईकमान तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। 12 बजे आ गए और ट्रेन तो हमारे सामने, जिस टाइम हम आ रहे थे भागे भी हम, लेकिन ट्रेन वो निकल गई रोकने के लिए। और ये हमारा आज राष्ट्रीय रेल रोको आंदोलन है जो दिल्ली में संयुक्त मोर्चे का जो हमारा आंदोलन चल रहा है, लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, वहाँ पड़े हैं वोट रोप है, उसी आंदोलन का एक हिस्सा था ये। स्टेशन हापुड़ में जीआरपी आरपीएफ सब मुस्तैद हैं, उसके साथ साथ सिविल प्रशासन भी, यहाँ सिविल फोर्स भी आई हुई है और सभी विभागों के जितने भी इंचार्ज हैं सभी स्टेशन पर मौजूद हैं, सब अपने अपने कार्य पर मौजूद रहेंगे। जैसे कि कोचिंग की गाड़ियाँ हैं वो तो 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में अपने डिवीजन में कोई चलेगी नहीं और बाकी गुड्स ट्रेन का मूवमेंट हो रहा है केवल। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत एक 2.5 वर्ष की बच्ची कुमारी शिफा घर के बाहर से गायब हो गई थी, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस थाना रामगढ़ को दी गई थी, जिस पर विशेष कार्रवाई करते हुए टीम गठित की गई। फिरोजाबाद की सोशल मीडिया सेल मीडिया के द्वारा प्रचार प्रसार एवं मुखबिर की खास सूचना के आधार पर आज दिनांक 18/2021 को गांव रेपुरा से 2.5 साल की बच्ची कुमारी शिफा को सकुशल बरामद किया गया है। उसके बाद बच्ची को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वही बच्ची का पुनः वापस मिल जाने के बाद परिजनों की झलक आई आंखें, खुशी में आंखों से निकल पड़े आंसू, कोट कोट पुलिस प्रशासन को दिया धन्यवाद। वो इससे एक सूत्र डेवलप हुआ जो 18 तारीख की सुबह 8-7 बजे करीब, 8-8:30 बजे के करीब एक सूत्र मिला कि बच्ची एक स्थान पे देखी गई है। तत्काल परिजनों को लेके पुलिस ने तत्परता से जाके बच्ची को बरामद किया। फिरोजाबाद से रिहान अली के साथ शुभम जादौन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में पेट्रोल डीजल और टोल टैक्स की बढ़ती दरों के विरोध में अधिवक्ताओं ने हड़ताल की है। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा है। फिरोजाबाद में आज सरकार द्वारा आए दिन पेट्रोल डीजल और टोल टैक्स की दरों की बढ़ोतरी के विरोध में जनपद न्यायालय फिरोजाबाद के सभी अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। सभी अधिवक्ताओं ने यह सरकार निकम्मी है ऐसे नारे लगाए एवं महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि पेट्रोल डीजल आए दिन आसमान छूती रेट पर है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और दिन ब दिन पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ रही है, जिसके चलते आज फिरोजाबाद न्यायालय के सभी अधिवक्ता एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया गया कि आखिर बढ़ती दरों से कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा लगातार लॉकडाउन के बाद पेट्रोलियम पदार्थों पर हो रही वृद्धि और टोल टैक्स में जो अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है, उसके संबंध में अधिकता उसका प्रजुर विरोध करते हैं और जनता पर महंगाई की मार नहीं पड़े, इसके लिए आज महामहिम के नाम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। बारिश में फिरोजाबाद इस कीमतों का और टोल टैक्स की जो कीमत बढ़ी है उनका विरोध कर रही है। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली के साथ शुभम जादौन की रिपोर्ट। आज प्रदेश के खबरों में वक्त चला यही रुकने का। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।